हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने गार्डन में मस्त होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत ये सुंदर सुंदर फूलों से। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं और आज का मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ये मैं दिखाती हूँ। देखिए मौसम आजकल कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ 5-6 दिन हो गए हैं कंटिन्यू बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों, जो हमें कटिंग्स लगानी है और जो हमें सीड ग्रो करने हैं, इसी टॉपिक पे मेरा वीडियो है। तो आजकल मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आप कोई भी कटिंग लगा सकते हैं और सीड ग्रो कर सकते हैं। इस मौसम में 100% सक्सेस होती है कोई भी आप कटिंग। अब जैसे पिटूनिया ही है, आप पिटूनिया की कटिंग भी लगा सकते हैं, बट जो पिटूनिया है अभी वही चलेंगे, बाकी नहीं है। कोलियस है, कोलियस विंटर के समर के लिए बहुत अच्छा है। और ये जेट प्लांट है, क्रोटोन है, और ये फाइकस आपको दिख रहा होगा, ये होगा, ये पेंसिल सकुलेंट है, मोगरा है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने मोगरा को प्रूनिंग कर दिया था और देखिए पूरा कलियों से भरा हुआ है इस टाइम, बहुत अच्छा है। और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट है और ये सबसे ब्यूटीफुल गार्डन का है, ये स्वीट पोटैटो, इसके मेरे पास 2 कलर हैं ये देखिए। और ये सुंदर सुंदर कोलियस, बहुत ही अच्छे लगते हैं कोलियस के, मेरे पास कई प्लांट हैं। और ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी, अभी इसे लगाए हुए 4-5 दिन हुए हैं और आप लोगों को दिख रहा होगा ये कटिंग पूरी 100% सक्सेस हो चुकी है। अभी 5 ही दिन हुए हैं क्योंकि इसकी पत्ते बिल्कुल भी नहीं मुरझाई हैं, मौसम बहुत अच्छा इसे मिल गया, तो ये लगाते ही ग्रो हो गई, बहुत अच्छे से चल रही है। और एक ये है कोलियस, बहुत सारे कोलियस हैं मेरे पास। और ये देखिए पॉली बैग में भी मैंने कटिंग लगाई है और एक गमला और तैयार हो रहा है, एक ये गमला है। बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे रियो प्लांट है, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं इस टाइम, एक से कई सारे प्लांट आप इसे तैयार कर सकते हैं। और ये बैकबोन का है, ये मैंने पूरा कट कर दिया था, देखिए सारे इसमें न्यू ब्रांचेस निकलने लग गए। ये भी ये दूसरी टाइप का बैकबोन प्लांट है, रबड़ प्लांट है। अगर आपका रबड़ प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है, ये मेरे पास बहुत बड़ा था तो मैंने इसकी कई कटिंग लगा दी है कट करके, अब ये भी अच्छा हो गया है, इसे मुझे रिपोर्ट करना है दोस्तों, तो कोई अच्छा सा गमला ला के फिर मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। अब इस टाइम जैसे आप लोग हिबिस्कस में बहुत सुंदर फ्लावर आ रहे हैं, तो आप लोग इस टाइम इसकी कटिंग लगा लीजिए और इसी सीज़न में ही आपको फ्लावर भी मिलने लग जाएंगे। अगर अभी भी कटिंग लगा लेंगे तो गर्मियों में आपको बहुत सारे फ्लावर मिलने लग जाएंगे। इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है, मैं दिखाती हूँ दोस्तों, ये मैंने लगाई है इसकी कटिंग, ये देखिए छोटी सी ये कटिंग है। और देखिए इसमें अब इसी सीज़न में फ्लावर भी आ जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दी थी, देखिए बहुत अच्छे से छोटी सी कट करके लगा दी थी, बहुत अच्छे से चल रही हैं। इधर ये मेरी कुछ कटिंग रखी हुई है, ये तो मैंने विंटर में लगाया था गुलाब का, और देखिए कितना बड़ा हो गया, इसमें फूल भी खिलने लगते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं कितने छोटे छोटे प्लांट हैं, देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, ये सारे सीड से हैं। और इस टाइम आप ये रेड लिली भी लगा सकते हैं, इसके बल्ब लगा सकते हैं, ये बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं क्योंकि अब इसी का टाइम है फ्लावरिंग होने का, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इसमें फ्लावर खिलने लग जाते हैं दोस्तों। और ये लांटाना की कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सुंदर फूल आता है और ये 12 महीने फ्लावरिंग होती रहती है, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है लांटाना मुझे। इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है और कटिंग भी और लगा दी है, तो ये पूरा गमला पूरा भर जाएगा, ये पूरा कवर करता चला जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और ये है कनेर, ये तो गर्मियों का राजा कह सकते हैं, चाहे जितनी भी ज़्यादा गर्मी पड़े दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग होती रहती बहुत। और ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, लास्ट ईयर ही मैंने इसे कटिंग से लगाया था और उसी से सीजन में ही इसमें फ्लावरिंग भी होने लग गई थी। और मैं दिखाती हूँ अब इस टाइम, देखिए ये कलांचो पूरा ख़त्म हो चुका है, तो ये पूरा कट करके इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है गर्मियों के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहती है, इसमें कांटे होते हैं दोस्तों, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है।
बहुत सारे प्लांट होते हैं दोस्तों हमारे गार्डन में, जो हम जिसकी हम कटिंग से और सीड से, अब जैसे ये पिटूनिया है ये देखिए, इसके सारे सीड तैयार हो चुके हैं, दिख रहा होगा। तो ये सीड कलेक्ट करने का भी टाइम है। जो विंटर के हमारे फ्लावर थे, सारे विंटर के फ्लावर ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके सीड ये देखिए, बारिश हो रही है, मैं सारे अब कलेक्ट करके ले जाऊंगी, नहीं तो पानी पड़ जाएगा तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे। सारे इसमें सीड बन चुके हैं, तो जो विंटर के फ्लावर हैं उसके सीड भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, और जो समर के फ्लावर हैं इस टाइम हम उनके सीड लगा सकते हैं दोस्तों। और जो कटिंग है, कटिंग लगाने का भी टाइम आ गया है, बहुत अच्छे से कटिंग चल जाती है। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये मैंने कटिंग लगाई थी क्लांचों की और उसमें फ्लावरिंग भी हो गई। ये देखिए छुई में इसको, ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर। बोगनविलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं इस टाइम, क्योंकि गर्मियों का राजा है ये भी, भरी गर्मी में इसमें फूल ही फूल खिलते रहते हैं। बोगनविलिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, और ये देखिए सुंदर सुंदर फ्लावर, सभी में सीड तैयार हो रहे हैं दोस्तों इस टाइम, बहुत ज़्यादा सीड तैयार हो रहे हैं। तो सारे सीड कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम बारिश हो रही है तो सारे सीड बेकार हो जाएंगे। और ये भी देखिए सकुलेंट है, मैंने भी इसको भी मैंने पुराना प्लांट पूरा हटा के नया लगा दिया है, और ये चल भी गया है। ये सारे काम मैंने एक महीने पहले कर लिए थे टाइम से, तभी देखिए ये सारे इतने छोटे छोटे थे, बड़े भी हो चुके हैं। और इस टाइम आप इसकी कटिंग लगा लीजिए नेक्स्ट सीजन के लिए, गुलदावदी की कटिंग लगाइए, क्योंकि इस टाइम बहुत आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। और इस टाइम की कटिंग जो है आप जब विंटर स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, सबसे पहले फ्लावरिंग होने लग जाती है, बिल्कुल टाइम से फ्लावरिंग होती है। तो बहुत सारे प्लांट हैं दोस्तों। अब ये देखिए कैलुंडला के सीड, ये भी तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो ये सारे सीड हमें कलेक्ट भी कर लेने हैं और समर के हमें सीड लगाने हैं दोस्तों। और ये देखिए मोरपंखी में सारे सीड पॉट तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन ये कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। तो मोरपंखी को आप जब भी लगाइए तो कटिंग से लगा लीजिए, बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये कनेर देखिए, ये बहुत लंबे लंबे हो गए थे दोस्तों, मैंने पिछले महीने इसे कट किया है और इतना अच्छा रिजल्ट, सारी न्यू ब्रांचेज आ गई हैं, और बस थोड़ा सा वेट और इंतज़ार, और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं, इसे पूरा फूलों से भर जाएगा। क्योंकि ये मैं दिखाती हूँ, ये देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है दोस्तों, लेकिन इसमें आने लग गई है। बहुत अच्छे टाइम से मैंने पिछले महीने सारी प्रूनिंग कर दी थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इस टाइम सभी में, बहुत अच्छा अच्छे से। तो दोस्तों आप लोगों को भी जो भी कटिंग लगानी है, जो भी सीड ग्रो करने हैं, सारे काम इस टाइम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है और बारिश का टाइम, रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है, तो जो भी कटिंग लगाएंगे 100% सक्सेस होती है। और सीड भी लगा दीजिए समर के लिए, बहुत ही अच्छा टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मैंने रिजल्ट दिखाया ही, अभी इतनी सारी मैंने कटिंग दिखाई है, इस ये क्रोटोन की भी, जेड की भी, और ये, और जो रिपोर्टिंग करनी है आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है, तो आप लोग इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने गार्डन में मज़े लीजिए, इंजॉय कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। बाय बाय।